लास्ट टाइम जब आप आई चेकअप के लिए गए थे तो क्या वो चेकअप कंप्लीट चेकअप था? क्या आपका रेटिना टेस्ट हुआ था, फंडस टेस्ट हुआ था? किस तरह से रेटिना टेस्ट किया जाता है, क्या पता चलता है डॉक्टर्स को, ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जब आप आई हॉस्पिटल में आते हैं तो रजिस्ट्रेशन की पूरी फॉर्मेलिटी करने के बाद आपको पावर चेकअप के लिए बिठाया जाता है। यहाँ पे आप पीछे देख रहे हैं कि दो स्क्रीन्स लगे हुए हैं। इस स्क्रीन पे सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए होते हैं एंड आपको बोला जाता है कि उन लेटर्स को पढ़ना है। उससे आपका दूर का जो विजन होता है वो टेस्ट किया जाता है। फिर नियर विजन टेस्ट करने के लिए हम एक छोटा सा चार्ट यूज करते हैं। उसके बाद अलग अलग नंबर का लेंस डाल के हम चेक करते हैं कि आपको कितना पावर आ रहा है। अब ये जो पावर चेकअप हुआ है ये जस्ट एक हिस्सा है आपके कंप्लीट आई चेकअप का। इसके बाद यहाँ पे हम आँख में ड्रॉप दे के बाहर बिठाते हैं आपको और उसके बाद 10 मिनट तक कम से कम वेट करते हैं। 2-3 बार ड्रॉप रिपीट किया जाता है जब तक कि आपका जो आँख है कम्प्लीटली डायलेट ना हो जाए और हम आपका बाकी का फर्दर टेस्ट कर पाएं। अब ये डायलेट होना क्यों ज़रूरी है, इससे हमें क्या पता चलता है, आइए देखते हैं। पावर चेकअप होने के बाद जब आप डॉक्टर्स चेंबर में आते हैं तो यहाँ पे ये हमारा मशीन है जिससे कि हम आँखों के आगे का पोर्शन चेक करते हैं, यानी कि जो आपको सफ़ेद और जो ब्लैक पार्ट दिखता है हम उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस मशीन पे मैग्नीफाइड व्यू में देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो भी कुछ मशीन में देख पा रही हूँ आप वो ऊपर स्क्रीन में देख सकते हैं। डायलेट करने से हमें इसी मशीन पे आपका लेंस का स्टेटस समझ में आता है कि कितना कैटराक्ट है, जैसे मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं या फिर छानी जिसको बोलते हैं, तो वो कितना है, कौन से स्टेज का है, वो बिना डायलेट किए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपके छानी या मोतियाबिंद को डायग्नोस करने के लिए हम आपको डायलेट करना प्रेफर करते हैं। उसके बाद दूसरा कारण ये होता है कि इस मशीन पे तो हमने सिर्फ आँखों के आगे का पोर्शन देखा है लेकिन आँखों के पीछे का पोर्शन होता है जिसको हम रेटिना बोलते हैं, पर्दा, और पर्दे को चेकअप करने के लिए भी हमें डायलेट करना पड़ता है। तो इस तरह से आपको सुपाइन पोजीशन में हम रेटिना टेस्ट आपका करते हैं, इस मशीन को यूज़ करते हैं और हमें पीछे का पर्दा समझ में आता है कि पर्दे पे कोई स्पॉट वगैरह तो नहीं है। पावर चेकअप के साथ साथ आपका डायलिटेशन चेकअप होना ज़रूरी है। ये आपका कंप्लीट आई टेस्ट होता है। आप जब चश्मे की दुकान में पावर चेकअप करवाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ पावर चेक किया जाता है और चश्मा दिया जाता है, लेकिन अगर आप आई चेकअप कराना चाहते हैं कंप्लीट तो आपको एक आई हॉस्पिटल में विजिट करना ज़रूरी है। तो आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।